लोग का जल्द से जल्द फाइनल आंसर की जारी कर हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। तकरीबन 10 माह पूर्ण हो गया है और 10 माह बीतने के बाद हम लोग लगभग 56 बार कम से कम दे सकते हैं, फिर गए होंगे। जुलाई में फॉर्म भरे हैं, उस टाइम से मेरा बाल लड़ी में उस तरह नहीं लगा है, तभी हटेगा जब हमारा रिजल्ट जारी होगा। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग 2023 की प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। रिजल्ट जारी ना होने के बाद नगर पालिका के जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास अब धरना में बैठ गए हैं। बता दें कि ये परीक्षा 921 पदों के लिए ये हुई थी, जो अक्टूबर 2023 में ये प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। इनका रिजल्ट नहीं होने के बाद लगातार विद्यार्थी अपने जिलों तथा विभिन्न जगहों पर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनकी मांग पूरा न होने के बाद अब विद्यार्थी राजभवन के पास अब धरना में बैठ गए हैं। क्या कुछ मांग है, आप लोग आज राजभवन के पास आ गए? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जल्द से जल्द फाइनल आंसर की जारी कर हम लोग का रिजल्ट दिया जाए और हम लोग का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराया जाए। अच्छा, आप लोग राजभवन के पास धरना में क्यों आना पड़ा? आप लोग की मांग JSSC बोर्ड से आप लोग पहले बात किए थे, क्या बातचीत हुई थी? हम लोग JSSC बोर्ड से भी बात किए थे और जितने भी यहाँ के मंत्री हैं और विधायक हैं सारे लोगों के दरवाजे पर हम जा जा के भटक भटक के थक चुके हैं। सब लोग ने यही आश्वासन दे रहा था कि जल्द से जल्दी आज गए तो कल 10 दिन वेट करिए, 10 दिन के बाद दे दिया जाएगा, 10 दिन के बाद दे दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ मतलब वो नहीं होता है कि वो आपका कोर्ट वाला भाषा कि सिर्फ तारीख पर तारीख, वही भाषा से अब लास्ट में हम लोग तंग होकर हम लोग आके धरना पर बैठे हैं। और ये अभी कम हम लोग समथिंग 60,000 स्टूडेंट हैं और धरना से तभी उठेंगे जब तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं होता है। हम लोग का जल्द से जल्द हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का फाइनल आंसर की जारी कर 5 दिन के बाद रिजल्ट जारी हो और उसके बाद जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग का हम लोग का तिथि बताएं, तभी हम लोग हटेंगे। अच्छा, आंसर की चूँकि एग्जाम के कुछ दिन बाद आंसर की जारी हो जाता है, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं जारी हुआ? नहीं बता, कुछ दिन नहीं, कुछ स्टेट में आप एग्जाम सेंटर से एग्ज़ाम देकर आइए, घर पहुँचते आंसर की जारी हो जाता है। ये फाइनल आंसर की नहीं है, बस आंसर की जारी हुआ उसके बाद आंसर की जारी हुआ कब, जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, सचिव SSC जो JSSC के सचिव है उनसे मिले, सारे लोग से मिलने के बाद सिर्फ इसको कि लॉलीपॉप बोला जा सकता है कि लॉलीपॉप में कि लोग शांत हो जाएं तो हम लोग को आंसर की जारी किया गया। अभी फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया, इसलिए मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उन सभी नेताओं से और सभी अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, हम लोग घर में कोई कमाने वाले नहीं, हम बड़े भाई हैं, मेरा 3 भाई है, 2 छोटे हैं और वो लोग कुछ करते नहीं हैं। घर पर ऐसा स्थिति है, महंगाई देख रहे हैं, इतने चरम सीमा पर हैं, क्या होगा नहीं होगा इसके चलते हम लोग मेंटल हो चुके हैं जी। क्या भैया, क्या कुछ मांग है आप लोग का, लगातार आप धरना में बैठ गए हैं? हम लोग झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के विद्यार्थी हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम लिखा था, ठीक है। तकरीबन 10 माह पूर्ण हो गया है और 10 माह बीतने के बाद हम लोग लगभग 56 बार कम से कम JSSC ऑफिस गए होंगे। अब सेक्रेटरी सर हम लोग का चेहरा पहचानते हैं, अब उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है, ठीक है। इतना बार दौड़ते दौड़ते थक गए, ठीक है। क्या बातचीत हुई सेक्रेटरी सर से? सेक्रेटरी सर से जब भी बात करते हैं हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देते हैं वो कि बाबू 1 सप्ताह में आ जाएगा, बाबू 3 दिन में आ जाएगा, बाबू 8 दिन में आ जाएगा, बाबू 10 दिन में आ जाएगा। लास्टली वो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि 30 जून तक किसी भी सूरत पर आप लोगों को फाइनल आंसर की दे दूँगा और 2nd week of July आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर जब सरकार चाहिए तब आप लोग को दे सकती है, ठीक है। ये हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग को लगता होगा कि हम लोग झूठ बोलते होंगे, तो जनप्रतिनिधि हैं हमारे अंबा मैम, ठीक है, उनकी उनसे भी बात हुई थी, वो भी यही चीज़ बात बोले थे, ठीक है। सोच से परे है कि सुनने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ को लेकर आए हैं, लेकिन आप लोग का रिजल्ट में काफ़ी विलंब हो रहा है, क्या कहेंगे आप? तो पूरा दाल बाड़ी बढ़ा लिए हैं सर। पहले नज़र में हम आपको स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं, ठीक ना भैया, पर ये मेरा ये है प्रण बोल सकते हैं आप बहुत लोग के नज़र में ये अंधविश्वास भी हो जाएगा कि ये क्या बात हुई, आप स्टूडेंट हैं उसके बाद भी इतना बाल लड़े। तो ये हम जिस दिन फॉर्म भरे थे ना भैया, उस दिन से इसमें उस तरह तक नहीं लगा, जैसे होता ना कि इसको हम ये कैंची से हटवा दें या फिर जो दिक्कत थोड़ा उसको हटा दें, अभी तक इसमें ना उस तरह लगा है ना कैंची लगा है। ये तभी हटेगा जब हमारा रिजल्ट जारी होगा। ये हम लास्ट आपका बता रहे हैं कि जुलाई में फॉर्म भरें, उस टाइम से मेरा बाल लड़ी में उस तरह नहीं लगा है। अच्छा, आप लोग कब से धरना में बैठे हैं? हम लोग कल से बैठे हैं और बहुत इंतजार के बाद बैठे हैं, मजबूरी बस बैठे हैं।
अच्छा, आप लोग यहाँ पे धरना में कल से बैठे हैं, तो कोई सरकार का या फिर जेएसएससी बोर्ड के कोई भी प्रतिनिधि आप लोग से मुलाकात करने पहुँचे? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि जल्दी से उन लोग कर दें, क्योंकि 10 महीना बहुत होता है, मतलब 10 महीना का समय बहुत होता है, और हम लोग आशा कर रहे हैं कि जल्दी से उन लोग के पास आप ही लोग के माध्यम से पहुँच जाए, या सरकार के ऊपर प्रेशर बने और जल्दी से हम लोग का ये हो जाए। तो आप लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं अभी धरना? यहाँ पे पलामू से हैं, हजारीबाग से हैं, रामगढ़ से हैं, कोडरमा से हैं, देवघर से हैं, और बहुत लोग हैं अभी, और अभी बहुत लोग जेएसएससी गए हैं वहाँ पे मिलने सर से कि सर बताइए कब तक मतलब हम लोग का ये फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी हो। रिजल्ट कब, ये मतलब ये रिजल्ट जब तक जारी नहीं होगा तब तक आप लोग धरना रहेंगे या फिर खत्म करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल बैठना ही पड़ेगा सर। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे, जो पीजीटी वाले हो गए और जेई वाले, तो उन लोग से हम लोग का बात होता है, तो उन लोग बोलते थे कि देखो तुम लोग एग्जाम लिख लिया, एग्जाम तो लिख लिया है, कि तुम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हो है धरना, कि देखो हम लोग धरना प्रदर्शन किए तब जाकर रिजल्ट आया। तो हम लोग को लगता था कि मजाक है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में विद्यार्थियों को भी यही कहना है कि जब तक धरना नहीं दिया जाएगा तब तक रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है। और भी छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या जरूरत पड़ गई आप लोग के राजभवन के पास आने का। हम लोग का एग्ज़ाम 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2023 को हुआ था, लेकिन उसके बाद से हम लोग हर मंत्री हर विधायक से मिले कि इसका रिजल्ट जो जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन कोई मंत्री और कोई विधायक इस बात को लेकर के हम लोग को ठोस आश्वासन नहीं दिए। सिर्फ बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग जेएसएससी ऑफिस 56 बार चले गए होंगे, 56 साल बार चले गए होंगे, चप्पल तक घिस गया, लेकिन सुनता कोई नहीं हम लोग का बात। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हो जाएगा, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब जो कुछ दिन पहले ही जेएसएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया, उसमें लिखा हुआ है कि अगस्त का 2nd वीक तक आप लोग का प्रकाशन रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा, लेकिन वो भी हमको लग रहा है फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका ना ही तो अभी फाइनेंसर क्या आया, ना ही डीवी दिया है, वो कैसे करेगा जी। देखिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में नगर पालिका के सेवा संवर्ग परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं लगातार अब राजभवन के समय धरना में बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि जब तक इनका रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक ये लोग धरना में बैठे रहेंगे। बता दें कि नगर पालिका झारखंड की परीक्षा 2023 में अक्टूबर माह में आयोजित की गई थी। टोटल 921 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इनके जो परीक्षा आयोजित की गई थी तब से अभी तक रिजल्ट नहीं है। बताया जा रहा कि 10 माह हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। छात्रों का मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया, नहीं तो इसके लेके आगे भी आंदोलन तेज होगा, आक्रोश होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत अपने सहयोगी निशित के साथ, यशवंत कुमार 99 न्यूज रांची।